हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनिंग ब्लॉग। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू होता है टाइसन के मॉर्निंग वॉक से लेकर। दोस्तों, सुबह टाइसन एक ब्लेरो को देख रहा था, मतलब तीन ब्लेरो थी मेरी कॉलोनी में। टाइसन को बैठना था, लेकिन फिर मैं अपने घर के पीछे गया तो टाइसन ऑटो को देखने लगा। तो टाइसन किसी भी चीज को देखता है तो बड़े ही बारीकी से देखता है, ऐसे कि एक अंकल जा रहे थे सामने से, तो मैं टाइसन को देख रहा था। टाइसन उन्हीं अंकल का पीछा करने लगा, क्योंकि वो अंकल कॉलोनी के नहीं थे, स्ट्रेंजर थे। फिर अचानक से देखा कि दो डॉग टाइसन पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। फिर मैंने देखा कि वो तो अटैक नहीं कर रहे थे टाइसन पर, वो थोड़ा आगे चले गए थे। दोस्तों, अभी डॉग थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि ये उनका सीजन चल रहा है घूमने का। और फिर मैं थोड़ा देखा कि दूसरा डॉग अभी आ गया, तो फिर कुछ सूंघ रहा था गट्टी पे। फिर उसके बाद वो डॉग जाने लगा, टाइसन उसको देखने लगा। फिर वो डॉग देखने के बाद टाइसन देखने लगा कि एक दूसरा जर्मन शेफर्ड, जो कि टाइसन का बिग ब्रदर या फ्रेंड्स कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने टाइसन से उसकी फ्रेंडशिप नहीं कराई है, वो थोड़ा दूर रहता है। टाइसन उसको देख रहा था बड़े ही गौर से। फिर टाइसन ने देखा कि एक बस आ रही थी, तो टाइसन को लगा कि ये उसकी स्कूल की बस है, लेकिन टाइसन तो स्कूल जाता ही नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद मैं नीचे लालू महाराज खड़े थे, तो फिर मैंने उनको मतलब रोटी दी। और फिर भाइट वाली काउ का हमने अभी नेम नहीं रखा है, तो फिर वो उसको उसको भी हमने रोटी दी, क्योंकि गायों को रोटी देना चाहिए। फिर हमने देखा कि टाइसन लोमड़ी के फटाल में बैठा है कान ऊंचे करके। और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद सलमान आ गया, तो टाइसन को जंप करने लगा सलमान के ऊपर, क्योंकि टाइसन सलमान के हाथ में था पेडिग्री, तो पेडिग्री। फिर उसके बाद मेरे पापा एप्पल खाने लगे, तो टाइसन को भी पापा से एप्पल चाहिए था। तो वो जब तक टाइसन बैठा रहा, जब तक पापा ने उसको एप्पल नहीं दे दिया। और फिर मुझे मार्केट में कुछ काम आया, तो फिर मैंने पेट्रोल लाया मार्केट में, और फिर फाइनली घर वापस आ गया। फिर मैं रात में टाइसन को पोटी कराने गया, और टाइसन ने पोटी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट।